दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हंग्री पॉइंट ऊना। जिला ऊना में इस बार सूखे की स्थिति के चलते मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म नाम के कीट का काफी कहर बरपा है। प्रदेश सरकार ने फसलों पर हुए इस हमले के बाद कृषि अधिकारियों के जरिए एक सर्वे करवाया, जिसमें 6.47% फसल का नुकसान आंका गया था। लेकिन अब जैसे जैसे जिला भर से मामले सामने आने लगे हैं, यह नुकसान काफी बढ़ सकता है। फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों के जरिए लोगों को सूचना देने का क्रम शुरू किया गया है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है, वैज्ञानिकों की टीम इस पर एक रिसर्च भी करेगी, ताकि इस कीट का पता लगाने के साथ साथ इसे खत्म करने के लिए उपयोगी दवाओं का भी निर्माण किया जा सके। सूखे की स्थिति के कारण इस फॉल आर्मी वर्म का जो है वो प्रकोप आया था। तो जो स्टार्टिंग में था, तो हमने एक सर्वे करवाया था, जिसमें 6.47% ही जो था वो इसका नुकसान हुआ था। लेकिन अब जहाँ से और जानकारियाँ मिल रही हैं, तो उसे लगता है कि फसल को नुकसान इससे ज़्यादा हुआ है। और इसमें हमने विभाग को तुरंत से इसके ऊपर टीमें जो हैं वो गांव स्तर के ऊपर भेजी। हमने पोस्टर छपवा करके भी, इश्तहार बांट करके भी जगह जगह जो है वो लोगों को और मीडिया के माध्यम से जानकारी की देने का प्रयास किया है कि हमारे पास जो इस रोग के कारण, जो इस अपना वर्म के कारण जो नुकसान हो रहा है और इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हमने दवाइयां भी जो है उस समय पर उपलब्ध कराई है। लेकिन फिर भी कई जगह दवाइयों का प्रयोग करने के बाद भी जो है वो ये प्रकोप जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो हमने कहा है कि इसको एक स्पेशल टीम हम एग्रीकल्चर्स डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी से जो है वो भेज रहे हैं, ताकि इसके ऊपर जो है वो साथ में रिसर्च भी किया जाए कि इसके कारण जो फसलें तबाह हो रही हैं, तो इसके लिए क्या, कौन सी दवाई जो है वो उपयोग। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के उपलक्ष में ऊना के कोब शोरूम में पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। कोब शोरूम ऊना में 2 के साथ 5 फ्री का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9999702048067621321 पर, और विजिट करें कोब शोरूम नजदीक पीजी कॉलेज नंगल रोड ऊना। ऊना नंगल मार्ग पर पालिका बाजार के सामने खुल गया है हंग्री पॉइंट फूड चेन का 71वां आउटलेट। यहां पर पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सैंडविच, फ्राइज, ब्रेड, डेजर्ट सहित अन्य लजीज व्यंजन उपलब्ध हैं। साफ सफाई का रखा जाता है विशेष ध्यान। हर बुधवार को हर एक मीडियम या लार्ज पिज्जा के साथ एक मीडियम या लार्ज पिज्जा फ्री। शादियों, बर्थडे, किटी पार्टी व अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष ऑफर। 4 किलोमीटर एरिया में फ्री डिलीवरी। संपर्क करें 8034837777 या 8054847777। वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बाबा नीम करोली एंटरप्राइजेज लखनपाल्स नियर लेकी हॉस्पिटल चले दौलतपुर चौक 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांव के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेखी अस्पताल चलेट के नजदीक वान्या होम डिकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं। देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, सनसुई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बाबा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन, टेक्सचर पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं। थाना कलां में खुल गया है फुलवाड़ी प्ले वे स्कूल।
स्कूल की प्रिंसिपल आरती वशिष्ठ ने बताया कि स्थानीय जनता की जोरदार मांग पर फुलवाड़ी प्लेवे स्कूल थाना कला में खुलने से अब छोटे बच्चों को दूर दराज तक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि फुलवाड़ी प्लेवे स्कूल जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की उचित व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816052152, 9861896232। मैं आरती विशिष्ट व विशिष्ट परिवार की ओर से ग्राम पंचायत थाना कला में जनता की मांग को देखते हुए फुलवारी प्ले स्कूल की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी और आने वाले समय में स्कूल का और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। फुलवारी स्कूल खुला है जो थाना कला में, इसकी बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे पूरे एरिया में। थाना कला क्षेत्र में हमारे दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, इसलिए हमने छोटे बच्चों के लिए एक फुलवाड़ी की वो करी है और पेरेंट्स का ये डिमांड थी और हम इसको स्कूल को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे हमने थाना कला क्षेत्र में एक फुलवारी स्कूल खोला है छोटे बच्चों के लिए, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म था नहीं, तो हमने ये छोटे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म चलाया है, तो सब बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है, छोटे बच्चों को लाएँ और यहाँ पे सुविधा लें स्कूल की।